गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का ये वीडियो मैंने क्लास 12th के बच्चों के लिए बनाया है। इस वीडियो में दो हिस्से में आपके सामने मैसेज आएगा। एक मैसेज का मेरा है वो आपको मोटिवेशन को लेके, एंड दूसरा पार्ट है आपके पेमेंट को लेके, ठीक है ना। जो नए बच्चे जुड़े एप्लीकेशन के थ्रू वो बार बार पूछ भी रहे थे कि पेमेंट कैसे करना है नहीं करना, क्योंकि जो मैंने फ्री ट्रायल का जो आपको पीरियड दिया था वो 10th August को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को कुछ दिन और कर देते पढ़ने देते हैं, देख लो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पेमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपनी पढ़ाई को लेकर बात करें। जैसा कि तुम देख रहे हो कि मैं आप अगर मेरे वीडियोज़ को अगर शुरू से आप देखिए, आप day 1 से जो मैंने अपलोड किया है, आप मेरा कभी भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं देखे होंगे। आप ये नहीं देखे होंगे कि सर थोड़ा परेशान है। हाँ, वो नेटवर्क वगैरह को लेके मैं थोड़ा सा, वो एनॉयंस अलग चीज़ है, वो जो मेरी परेशानी है वो अलग चीज़ है, लेकिन मेंटली मैं अभी इस पढ़ाई को इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को कोई समस्या नहीं है कि अगर ये समस्या आ गई है तो मेरे को बहुत डिप्रेस होने का ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो आप भी करो, और आप में से बहुत लोगों ने किया भी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरा क्या मानना है कि जब आपके सामने कठिनाई बहुत ज़्यादा आ जाए, जब आपको ये फील हो कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो समझो कि आपका टाइम अब बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। गॉड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। देखो एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है कि जब समस्याएं आती हैं, पूरे यूनिवर्स का रूल है कि जो प्रॉब्लम है वो अपने सॉल्यूशन के साथ ही प्रोड्यूस होता है, यानी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पेयर में ही पैदा होता है, जोड़ा में पैदा होता है। तो होता क्या है कि प्रॉब्लम आपके सामने पैदा होता है और सॉल्यूशन थोड़ा दूर हट के पैदा होता है, ठीक है ना। तो लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम है, लेकिन आप अगर सोचोगे, आप ढूंढोगे, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है दोस्तों जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं है। और मैं एक कदम आगे बढ़ के आपको बोलूंगा कि जब आप जिसे प्रॉब्लम मान रहे हो ना, मेरे नजर में यह प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर बात यह है ना कि अभी बंद है, तुम क्लास नहीं जा पा रहे हो, तो ये यार प्रॉब्लम देखने में है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पता चला कि हमें जितना नुकसान हुआ उससे ज़्यादा फायदा हुआ, और मैं वो फायदा आपको करवाऊंगा। आप बस एक साथ आप मेरे साथ बने रहो, जो मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि देखो बहुत लोग बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं टू द पॉइंट काम कर रहा हूँ, कोई बकवासबाजी नहीं। जो आपको नीड है, जिसकी आपको ज़रूरत है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे उसका न्यूमेरिकल हो, या फिर आपका HCV का सॉल्यूशन हो जिसका सीरीज, या फिर NCERT का हो, दोस्तों आप काउंट करो कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे देखो अभी HCV का सीरीज फिनिश्ड होगा, तुरंत हम लोग NCERT का, जैसे Part 1 Chapter 1 किए, हम लोग NCERT का Chapter 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना 20-year क्वेश्चन बैंक, जिसमें IIT JEE एडवांस, JEE मेन और नीट, और उसमें MC भी आएगा, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते चले जाएंगे। तो जस्ट सोचो कि हम लोग, एक तो नॉर्मल क्लास चल रही है, प्लस ये डिस्कशन वाले सीरीज मिल रहे हैं आपको, और इतना ही नहीं, वो बोर्ड के लिए भी मैंने बोला था कि बोर्ड के लिए भी अलग से ऑब्जेक्टिव, तो आप देखते तो जाओ कि हम लोग क्या क्या करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे पास एक और प्लान है जो मैंने सोचा कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। अगर आखिर बात ऑनलाइन की है ना, इसको ऐसा इक्विप्ड बना देना है, इससे इतना फायदा अपने को निकालना है कि दुनिया देखे कि इन लोगों ने कितना इससे इस प्रॉब्लम को इन्होंने कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों कितना मेरे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, और मैं सारा कुछ एक एक करके एग्जीक्यूट करता चला जा रहा हूँ। दोस्त ये भी तो सोचो कि हम लोग, जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सर हम लोग आगे चल के 1 shot रिवीजन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग किसी दिन बैठेंगे, कहेंगे 6 hours हम लोग लगातार आज रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए भी मैं इक्विपमेंट ला रहा हूँ, तो जिसमें हम लोग, अब यही है कि सारी चीज़ें मैं पहले ही नहीं बोल रहा हूँ, सर सारी चीज़ें आपको पहले ही नहीं बताना चाह रहा हूँ, वो आप देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके, जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो आपको बोलूंगा कि देखो मैंने ये भी किया, ये भी किया। बस आप जुड़े रहो। हम लोगों को ये कसम खा लेना है कि लोग ये सोचते हैं ना कि इस बार के बैच के साथ
जैसे लोग को तरस आता होगा कि यार इस बार के ट्वेल्थ के बच्चों को क्या हो गया, जब इनका टाइम आया तो कोरोना आया। दोस्त, इसको पलट के रख देना है। लोगों को ये लगना चाहिए, पूरी दुनिया की जिम्मेवारी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन बच्चों को देख के लोग को ये बोलना चाहिए कि उल्टा कोरोना ने इनका बहुत फायदा पहुंचा दिया, और वो मैं करके दिखाऊंगा और वो आपको साथ साथ करना है। बस आप इतना रिक्वेस्ट है, आप जब वीडियो बनाओगे ना, आपको लगता होगा ना ये आसान काम है, मेरे लिए आसान काम किसी के लिए नहीं है। कैमरा के आगे लगातार इतना बोलते रहना पागलों की तरह, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, और आपको तो सिर्फ मोटिवेशन आपको देखना है, आपको चीज़ों को देखना है, मेरे को पूरा फ्रेम करना है। तो हम दोनों का मोटिवेशन तगड़ा होना चाहिए। आपको जितना टाइम अभी बच रहा है कोचिंग जाने में, क्लास जाने में, कुछ भी जाने में, उन सारे टाइम का यूज करो। यार एक बात समझो, कोई जैसे मैंने बोला ना कि वीडियो अभी थोड़ा ज़्यादा आपको मिल रहा है, लेकिन आप और ज़्यादा मेहनत करो यार। कहाँ क्या करना क्या है, सामने में स्क्रीन रखना है, कॉपी रखना है, पेन रखना है, देखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। कहीं जाना थोड़ी है आपको, कहीं नहीं जाना है। आप घर में बैठो, आप दिमाग में ये सेट कर लो, समझ गए ना, ये सेट कर लो कि मेरे को अभी फिलहाल ऐसे ही पढ़ाई करनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा तरीके से आप चीज़ों को याद कर सको, रिमेम्बर कर सको, आप उसको अप्लाई करो। आपको ये प्रूव कर देना है कि ये कोरोना में आपने चीज़ों को सिर्फ रिकवर नहीं किया, बल्कि आपने उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्लीट किया और आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं। अगर नुकसान हो गया तो खैर थर्ड ग्रेड में चले गए, अगर बराबर भी हुआ तो भी सेकंड ग्रेड में। दोस्तों हम लोग को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि कोई सोच नहीं सके, समझ गए ना। रिकवरी नहीं चाहिए अपने को, और इम्प्रूवमेंट चाहिए। मतलब कि सिर्फ ये नहीं करना है कि हमको इस डैमेज को रिकवर करना है, बल्कि देख लो, आप खुद सोचो कि एचसी वर्मा के सारे ऑब्जेक्टिव्स को करना, या 20 ईयर जो हम लोग जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन जो करते हैं, या अपने डीपीपी में जो पूरा एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको लेक्चर के साथ साथ रहना है। तो आप बस देखते जाओ, जैसे कल सोच लो केवल वॉन डी ग्राफ जनरेटर, कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर बना दिया। तो आप चीज वही बात है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। लोग ये सोचते हैं, तुम में से बहुत लोग ये सोचते हो, सर ये सिलेबस कट गया, वो सिलेबस कट गया, तो क्या हम लोग कम पढ़ें? नहीं, हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। क्यों सिलेबस कम पढ़ेंगे? क्या आप एक बात समझिए, क्या आपको सिर्फ बोर्ड देना है, आपको कंपटीशन भी देना है? दोस्तों आपको कंपटीशन भी देना है। और कंपटीशन में क्या वो ये बात वहाँ जाके ये एक्सक्यूज दोगे कि इस बार कोरोना में गवर्नमेंट ने सिलेबस कम कर दिया? यार सिलेबस कितना कम किया है, जो भी 10-20% किया उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। आप पूरा पढ़ो, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मैं कोई कट नहीं करने जा रहा, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। अगर तुम में से किसी को कट करके पढ़ना है तो वो अपना छोड़ देना, लेकिन मैं फिर एडवाइस करूंगा, वो एक अच्छा स्टेप नहीं होगा। क्लियर, समझ गए ना बात को? तो मेरा क्या कहना है कि एक बात हमेशा याद रखना कि जो मेहनत है, जो आप जो करते हैं अपने बुक पे या अपने नोटबुक पे या आप लिखते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। ये बात याद रखना, ये एकदम इस मतलब समझो कि ये एकदम ट्रू है कि कोई भी किया हुआ काम जो है वो बेकार नहीं जाता है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो वो अच्छा फल लाएगा, और बुरा कर्म बुरा फल लाएगा। मतलब कर्म और फल का जो ये एसोसिएशन है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर तुमने टाइम वेस्ट किया, इस पूरे टाइम को अगर तुमने वेस्ट किया, तुमने सेलिब्रेट किया कि चलो छुट्टी है, जब खुलेगा तो देखेंगे, तो दोस्त आप लूजर होगे, मैं बता रहा हूँ आप लूजर होगे। अगर आप वीडियो जमा कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि एक दिन तुम पागल हो जाओगे, इतने सारे वीडियोज़ को देख के कवर कैसे करना है। एकदम डिले नहीं करना है। जो लोग अपडेट हैं वो तो माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हैं, और जो पीछे हैं उनको चाहिए कि वो सारे वीडियोस को दिन रात एक करके देख लें। यार मैं अगर तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता, कितना सिंपल है यार, सामने में स्क्रीन रख के फिलहाल, और जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ, यार मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। यार तुम क्या सोचते हो कि मैं अपना वीडियो खुद नहीं देखता रहूँ? मैं अपना वीडियो खुद देखता हूँ यार। मेरे को लगता है कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट रहता, सामने में स्क्रीन रखकर अपना कॉपी पे नोट्स बनाता रहता और उसके बाद रिवाइज करता रहता, काम खत्म। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ एक बात और, वो फिर मैं बता दूंगा, वो डेटा वेटा के चक्कर में एक दो लोग पड़े हुए हैं,
मत पढ़ो यार, मत पढ़ो मत पढ़ो, एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना है करवा लो, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है अगले 3-4 महीने के लिए, उसके बाद डेटा जमा करते रहना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो काफ़ी है मोटिवेशन। तो मेरा कहने का मतलब है ये अपने आप को बोलते रहना है, ये मेरे, मैं रोज आके तुमको नहीं बोलूँगा, ये तुमको अपने आप को बोलना है कि मेरे को इतना मेहनत करना है, मेरे को इतना मेहनत करना है कि लोग ये ना बोले कि कोरोना की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ, कोरोना की वजह से इस बार जो है पूरे दुनिया में जो 12th में जो बच्चे हैं उनके साथ क्या हुआ। किसी की दया का पात्र नहीं बनना है अपने को, हम लोग उसको रिकवर करेंगे नहीं बल्कि बोनस लेके दिखाएंगे कि उल्टा हमने इस सिचुएशन से उल्टा हमने फ़ायदा कमा लिया, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ाई कर ली हमने, हमने ज़्यादा रिविज़न कर लिया, हमको इधर उधर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। समझे बात को, क्लियर है? तो चलो ठीक है। तो आज चूंकि आज सुबह भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था, कल रात, कल भी 2 अपलोड था, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज छोड़ देता हूँ। आज इसलिए कल का, कल अपना हॉलीडे था, कल अपना हॉलीडे है ट्यूसडे, लेकिन कल हॉलीडे नहीं रहेगा। आज वाली जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो थी वो कल आएगी आपको एप्लीकेशन के ऊपर, क्लियर है? चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट का, ठीक है ना। जो नए बच्चे 12th में जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा मैं अभी 12th के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनको अभी मैं पेमेंट को कैसे करना है क्या करना है उसका मैं डिटेल अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो बच्चों, तो हम लोग अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे पेमेंट के बारे में, लेकिन इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गया उस समय। नेक्स्ट वीक में, ध्यान से सुन लो मेरी बात, नेक्स्ट वीक में थर्सडे को, नेक्स्ट वीक थर्सडे, इस वीक का थर्सडे नहीं, नेक्स्ट वीक थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में क्या क्या आएगा, कैपेसिटर और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा कैपेसिटर और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे। तो हम लोग पहला टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, और इसके बाद टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो मैं बैच फॉर्म होने का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए हम लोग अभी कुछ एप्लीकेशन पे और सर्विसेज जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह और अपलोड करने वाले हैं, लेकिन वो होता क्या है कि एक बार सारा बैच बन जाए तो उसके बाद अपलोड करने से सभी को विजिबिलिटी अच्छी रहती है, नहीं तो फिर हम लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ जाती, ठीक है ना। तो हम लोग याद रखना, नेक्स्ट वीक थर्सडे, नेक्स्ट वीक थर्सडे को टेस्ट होगा जिसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर आप रिवाइज करोगे, या एक काम करते हैं दोनों अलग अलग कर लेते हैं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, पहला टेस्ट है तो आप एक एक कर। तो नेक्स्ट थर्सडे को सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कैपेसिटर छोड़ो, वो अगले वीक में कर लेंगे, अगले वीक में कैपेसिटर, नेक्स्ट वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरीके से करके रखोगे, समझ गए ना, क्लियर है। चलो अब रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो मेरे ऑफलाइन के पहले वाले स्टूडेंट हैं उन्हें कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन में ऑलरेडी मेरे को पेमेंट कर रखा है, ये पेमेंट देना उनको होगा जो नए बच्चे जुड़े हैं। और अमाउंट मैंने पहले ही बता रखा है आपको, अमाउंट अपना 1800 रुपीज़ था, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक सिंपल अमाउंट है आपका 1800 रुपीज़, आप जो है वो इतना पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कहाँ, कौन से बच्चे जो नए जुड़े हैं, ऑफलाइन वाले नहीं, फिर वो परेशान मत हो जाना, जो मेरे से पहले से थे ऑफलाइन में उनकी बात नहीं है, जो ऑनलाइन में भी जुड़े हैं उनको 1800 12th के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि 12th के सारे लेक्चर्स मिल ही रहे हैं आपको, इसके अलावा एडिशनल आपको जो यूट्यूब पे आ रहा है वो तो अलग से है ही, जो कि 80 गुना का सीरीज़ हो या फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स डाल दिया वो तो आप देख ही सकते हो। चलो अब अकाउंट की डिटेल क्या है, क्या क्या है अकाउंट, देखो मेरे नाम से ही है ताकि आपको ट्रस्ट रहे, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ऑनलाइन कहाँ भेजें, तो मैंने अपने अकाउंट, अपने नंबर से एक अकाउंट अलग से डाल दिया है इसके लिए प्रॉपरली इसके लिए। तो ऋषिकेश कुमार मेरे नाम से अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ आप देख लो मैंने लिख दिया है, आप बोर्ड से देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके अलावे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये अकाउंट नंबर ये आप डालना, IFS कोड जो है वो है UTIB00133777, एक्सिस बैंक, ठीक है, राजेंद्र नगर पटना ब्रांच, जो बैंक का ब्रांच है वो राजेंद्र नगर पटना, सिंपल है, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, आप जैसे भी पैसा ट्रांसफ़र करोगे, चाहे जिस मेथड से इस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करोगे, चाहे गूगल पे से कोई करो, चाहे
आप डायरेक्ट अच्छा रहेगा कि अकाउंट से ही करो, जैसे भी करो वो आपकी मर्जी है, इस अकाउंट में ही पैसा आपको डालना है। और कोई भी किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप जो है मिसगाइड नहीं होंगे, इस अकाउंट पे ही आपको जो है ट्रांसफ़र करना है पैसा, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद अब आप एक नंबर देखिए बोर्ड पे, ये नंबर का इस्तेमाल सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड, मतलब पैसा ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेरी करने के लिए करना है और किसी चीज़ के लिए नहीं। और ये कितना फ़ोन नंबर है, 8797055995। और यहाँ पे जो फ़ोन पिक करेगा उसका नाम होगा आनंद। क्या नाम होगा? आनंद। और जब आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी आपके पास वहाँ पे, आप अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ जो भी आपको रिसिप्ट मिलेगा उसका एक कॉपी अपना नाम, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, हर चीज़ ध्यान से सुन लेना। अपना नाम, ठीक है, जो आपका नाम है, फादर्स नेम, जो आपका फादर्स नेम है, और जो आपका फ़ोन नंबर है जिसपे आपने डिवाइस, जिसपे एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है, ठीक है ना? वो आपको क्या करना है, वो आपको उसका एक फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, समझ गए ना? मतलब व्हाट्सएप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे, वो मेरे 8294 वाले पे नहीं, वो सब पे नहीं भेजना। ये नंबर स्पेशली सिर्फ अकाउंट के लिए किया गया है। ये फ़ोन नंबर पे आप कॉल भी करना, अकाउंट से रिलेटेड सारे कॉल्स इसी पे अटेंड किए जाएंगे और किसी फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन नहीं करेंगे। और जो मैंने बोला कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो अपना नाम, ओके, अपना नाम, अपना अपने फादर का नाम, और जो फ़ोन नंबर आपने यूज करना है उस ऐप के लिए वो फ़ोन नंबर, ठीक है, और उसके अलावे वो रिसिप्ट जो पैसा आपने जमा किया है उसका एक फ़ोटोग्राफ खींच के आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है? तो यहाँ आपकी पेमेंट की कंफर्मेशन, वो तो ऐसे भी आप ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट करेगा ही आपका, तो इसके अलावे वो जो डिटेल है वो आप यहाँ पे करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, फिर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज़ द ओनली अकाउंट, सिर्फ इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र मान्य होगा, इसी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे और कोई भी किसी प्रकार के इस पे नहीं जाना है, ठीक है? अब ये कब तक करना है, तो सीधी सी बात है, अब अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन या दो दिन। कल है ट्यूसडे, ट्यूसडे से लेके इसी वीक के सैटरडे तक, सैटरडे के वर्किंग तक, मतलब आपको करीब करीब मैंने 5 डेज का, ऐसे तो इतना दिन से टाइम दे ही दिया था आपको सब कुछ करने का, लेकिन ट्यूसडे से सैटरडे तक आप जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, समझ गए ना? ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में, इसी वीक में ट्यूसडे से सैटरडे के बीच आपको जिस दिन आपको लगे सही से, आप जल्दी जितना अर्ली कर सकें कर दीजिएगा, ठीक है, ट्यूसडे से सैटरडे तक, ताकि हम लोग अगले वीक में पूरा हम लोग का बैच फॉर्म हो गया है, तो नेक्स्ट वीक में से हम लोग और अपना जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है, चाहे वो आपका ऐप के ऊपर टेस्ट का हो या फिर और मटेरियल्स का हो, वो सब हम लोग अपलोड करना शुरू कर दें। तो ट्यूसडे से सैटरडे तक इसी वीक में आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। सारा डिटेल्स मैंने आपको लिख ही दिया है, नेम, अकाउंट नंबर, कोड, ठीक है, और कोई भी डिटेल, कुछ भी बातचीत करनी हो अकाउंट से रिलेटेड तो आनंद फ़ोन उठाएगा, और ये नंबर है आपका, ठीक है, और जो आप डिटेल हैगा उसका आप व्हाट्सएप पे आप उसका फ़ोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है बच्चों? तो ये, और 1800 रुपीज़ जो आपका पैसा बताया गया था, ट्रांसफ़र कितना करना है, 1800, ये याद रखना, 1800 रुपये मात्र भेजना है। इसमें आपको पूरा 12th का कोर्स मिल जाएगा, पूरा सब कुछ, क्लियर 12th वालों का। तो और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत दिनों से बहुत बच्चा पूछ रहा था कब ट्रांसफ़र करना है, तो ठीक है, मैंने सोचा एक बार मैं बोल दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो कल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4th के साथ मिलेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर, ओके।